वेलकम टू ऑल इंडिया सेट टेस्ट सीरीज 2020. दिस इज टेस्ट नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ड्रग प्राइस कंट्रोल इन इंडिया. तो प्राइस रिगार्डिंग जो दवाई हैं उसके प्राइस के रिगार्डिंग चार पॉइंट हमें दिए गए, इसके बारे में बताया गया. पार्ट नंबर 1 हमारे पास है. द टर्म ड्रग इंक्लूड्स मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल इंक्लूड प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज. बिल्कुल सही है ये कि जो इसका दवाइयों का यूज़ है वो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ है ह्यूमन के लिए. सही है. सेकंड हमारे पास क्या है. ए ब्रांडेड जेनरिक इज अ ड्रग विद द सेम इंटेंडेड इफेक्ट बट इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग. गलत है ये. जो ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ होती हैं उनका नाम अलग होता है पर लेकिन ओरिजिनल इक्विवेलेंट के बिल्कुल सेम बायो इक्विवेलेंट दवाइयाँ होती हैं. दोनों सेम होता है, नाम अलग अलग होता है. ठीक है. थर्ड हमारे पास क्या है. सेकंड हमारा गलत हो गया. थर्ड हमारे पास क्या है. DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आर इशूड बाई गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 फॉर ऑल शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल ड्रग्स. गलत है ये, सबके लिए नहीं होता ये. तो सेकंड गलत, थर्ड गलत. फोर्थ हमारे पास ड्रग प्राइस कंट्रोल इन इंडिया आर एप्लीकेबल रिस्पेक्टिवली ऑफ वेदर द ड्रग जेनरिक और ब्रांडेड. चाहे वो जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो, सबके लिए प्राइस कंट्रोल सेम होता है. सही है, बिल्कुल एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर. तो फोर्थ सही है, वन सही है, फोर्थ सही है. फिफ्थ हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API इंक्लूड बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट्स आर यूज एज इंग्रेडिएंट इन एनी इंफॉर्मेशन. बिल्कुल सही है. तो वन फोर फाइव आंसर होगा. 2 और 3 गलत है. तो आंसर होगा 1, 4, 5. आंसर इसका ए है. टॉपिक नंबर चलते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 21 पर. विद द रेफरेंस ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग इन अर्लियर ब्रिटिश इंडिया के जब टाइम पे रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में चार पांच बात बताई गई हैं, तीन बताई गई हैं, उसके बारे में बात चली. पहला नंबर 1 हमारा, डेडिकेटेड रिकॉर्ड्स रूम्स आर अटैच्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन सच एज विलेज तहसीलदार ऑफिस एंड कलेक्ट्रेट. कलेक्ट्रेट हो गए या विलेज तहसीलदार हो गए, उनके पास ही एडमिनिस्ट्रेट रूम होता था जहाँ पर इनका रिकॉर्ड रखा जाता था. किसका? ब्रिटिश टाइम के रिकॉर्ड का. सही है हमारे पास. सेकेंड हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स वर स्टेबलाइज टू प्रेजेंट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. बिल्कुल सही है. आर्चिव और म्यूजियम के अंदर वो स्टेबलाइज करे गए ताकि हम इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सकें, रख सकें. सही है हमारे पास. रिवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड इन विलेज इन अर्लियर 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी से पहले ही हमारा रिवेन्यू सर्वे स्टार्ट हो गया था. तो 1, 2, 3 तीनों सही है हमारे पास. आंसर इसका होना चाहिए 1, 2, 3 ए. टॉपिक नंबर 22 पे चलते हैं हमारे पास. कंसिडर द विच ऑफ द विद द रेफरेंस ऑफ द मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड से रिगार्डिंग है. फर्स्ट है हमारे, एनी कॉर्पोरेट बॉडी और इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इशू रुपए डोमिनेंट बॉन्ड्स ओवरसीज. सही है हमारे पास कि या तो बैंक इंडियन बैंक हो या एनी कॉपरेटिव बैंक हो वो इशू कर सकती है रुपए डोमिनेंट बॉन्ड ओवरसीज के लिए. सही है हमारे पास. सेकंड हमारे पास क्या है. सेकंड हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू द RBI द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द मसाला बॉन्ड अप टू द रुपीज इक्विवेलेंट USD 15 million इन द फाइनेंशियल ईयर 3 ईयर. 3 साल के अंदर मैच्योरिटी, कम से कम 3 साल की मैच्योरिटी होती है मसाला बॉन्ड के अंदर. ये भी सही है. तो सेकंड सही है, फर्स्ट सही है. RBI mandated that money raised through such bonds cannot used for real estate activities. RBI कह रहा है कि जो आपने मसाला बॉन्ड जो पैसे आपके पास आए उसको आप रियल इस्टेट में नहीं कर सकते अदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट. सेकेंड ये भी सही है. तो 1, 2, 3 सही है. फोर्थ हमारे पास कि मनी कैन बी राइज थ्रू मसाला बॉन्ड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट. गलत है. जो मनी पैसे बने मसाला बॉन्ड से उसको ना तो आप रियल इस्टेट में यूज़ कर सकते हो और ना ही कैपिटल मार्केट में यूज़ कर सकते हो. तो उसका आंसर 1, 2, 3 हुआ, 4 हमारा गलत हुआ. तो आंसर वर्ड्स का डी. क्वेश्चन नंबर 23. ऑल थ्रू द स्कॉटिश हिस्टोरियन नेवर सेट फूट इन इंडिया एट एनी टाइम इन हिज लाइफ. ही बेस्ट नो लिटरेरी वर्क इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 विच मे बिलीव टू बी सेलिब्रेशन ऑफ कॉलोनियल वैल्यूज एंड डिनाउंसिएशन ऑफ ऑर्नेटिज्म. तो उसका कह सकते हैं जेम्स मिल के बारे में बात चल रही है यहाँ पर. तो उसको आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. तो मिल प्रेफर्ड एज टेक द मोर थियोरेटिकल अप्रोच टू सब्जेक्टिव सोशल सब्जेक्ट्स देन द एम्पेरिकल एट वन कॉमन एट अ टाइम. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ रेगुलेशन हैज़ बीन ब्रॉट न्यूली इन ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इनमें से कौन से पार्ट को नया लाया गया है. कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प CFL एंड अदर मर्करी कंटेनिंग लैम्प. सही है ये इसके अंदर है. ई वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है CFL एंड अदर मर्करी कंटेनर को लिया गया. एग्जेम्पशन ऑफ एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ERP फॉर माइक्रो इंटरप्राइज जनरेटेड ई वेस्ट. ये गलत है, ऐसा नहीं है.
जो ERP है, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर माइक्रो इंटरप्राइज के लिए जो जनरेट करती है ई वेस्ट को, उसको बाहर रखा गया है, गलत है, वो इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। किसको? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए होती है और इसको भी कंसिडर करते हैं हम ई वेस्ट की तरह। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड हमारा गलत है, ठीक है। तो ये इसका एक चार्ट है, इसमें आप पढ़ सकते हो ई वेस्ट मैनेजमेंट हमारा, ई वेस्ट में 2016 एप्लीकेबिलिटी प्रोड्यूसर है, कंजप्शन है, बल्क कंज्यूमर है, कलेक्शन सेंटर है, डिसमेंटल है एंड रिसाइकल है, एक्सपेंड टू द मैन्युफैक्चरर डीलर है, जिस कंपनी CFL है, फॉर अदर मर्करी कंटेनर द लोड्स है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, आप मैं इसकी स्क्रीन शॉट खींच के कर लेना। ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर है। द प्रोड्यूसर आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ऑथराइज फ्रॉम द SPCB PCC फॉर इम्प्लीमेंटेशन देयर। एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव चैनलाइज ऑफ ई वेस्ट टू द रजिस्टर्ड डिसमेंटल एंड रिसाइकल्ड। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इन दोनों पार्टों को अच्छी तरह से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 25, अरेंज द फॉलोइंग रीजन बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ लैंड स्लाइड्स इंसिडेंट इन दैम डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइड कहाँ पर होते हैं? देखो हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट है, विंध्याचल है, वेस्टर्न घाट, हिमालय घाट, नीलगिरी है। देखो सबसे ज़्यादा जो सबसे जो नए हैं वो है हिमालय, मतलब यंग हैं, फोल्ड मार्क माउंटेन है, तो सबसे पहले तो हिमालय आएंगे। दूसरी बात क्या है हमारा? ईस्टर्न हिमालय, जो ईस्टर्न हिमालय कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड, जो हमारे ईस्टर्न साइड जो हो गई असम की तरफ, इस तरफ के पार्ट है, ये भी एक डिस्टर्ब एरिया है। तो 1 और 2 आ गए। अब क्वेश्चन है हमारे पास, या तो विंध्याचल है या वेस्ट घाट या नीलगिरीज है, तो इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ लैंडस्लाइड कहाँ पर है? देखो विंध्याचल हमारा बीच का पार्ट है इंडिया के, वो एक तरह का स्टेबल है क्योंकि नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, इधर हमारा मालवा प्लेट्यू है, तो ऊपर नॉर्थ और डेक्कन के बीच में विंध्याचल आता है और लेफ्ट साइड में जाके हमारे पास छोटा नागपुर आता है। तो ये पार्ट जो है काफ़ी स्टेबल हो चुका है क्योंकि वहाँ पर लैंड है। पर लेकिन अगर आप देखो तो हिमालय में सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है टेक्टोनिक प्लेट के कारण। सेकंड पार्ट हमारे ईस्टर्न के अंदर है, वहाँ पे खुद क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो मर्ज कर रही हैं, तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है। तो वेस्टर्न घाट और नीलगिरी क्या है हमारे पास? नीलगिरी हिल्स हमारी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु को मिला के बनती है। वेस्टर्न घाट हमारा वेस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ से कोस्टल बाउंड्री वहाँ भी ब्रेक है, जिसकी वजह से वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होने के चांस ज़्यादा हैं। डेट्स वाई तो 1, 2, 4 and 3 आंसर होना चाहिए इसका। तो विंध्याचल और वेस्ट घाट और नीलगिरी के अंदर विंध्याचल इज अ मोर स्टेबल दैन द वेस्टर्न घाट एंड द नीलगिरी। डेट्स वाई द हिमालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी एंड विंध्याचल शुड बी आंसर, ठीक है। तो 1, 2, 4, 3 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलना, 26 पे चलते हैं हमारे पास। द टर्म टू द राजमाना कमेटी 1969 कंसिडर द फॉलोइंग टर्म राजमाना कमेटी बनी थी 1969 के अंदर, उसके बारे में बात चल रही है। फर्स्ट है हमारे पास, द टर्म्स ऑफ रिफरेंस ऑफ कमेटी हैड इंजॉय टू सजेस्ट सुटेबल अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर द स्टेट एट मोस्ट ऑटोनॉमी। राजमाना कमेटी ने यही बताया कि हमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट करने चाहिए ताकि स्टेट की ऑटोनॉमी कंजर्व रहे, सिक्योर रहे। तो ये हमारे पास सही है बिल्कुल। सेकंड हमारे पास क्या, सेंट्रल थीम्स इन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी वाज एलिमिनेट द कंसेप्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ सेंटर एंड टू कन्फर द मैक्सिमम ऑटोनॉमी टू स्टेट। ये बिल्कुल सही है। आप याद कर सकते हो कि राजमाना कमेटी किससे रिलेटेड है? राजमाना कमेटी हमारे पास रिलेटेड है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे किससे कर सकते हो आप, और ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। क्वेश्चन 27 करना चाहो तो कंसिडर द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की हम स्टेट बता सकते हैं कौन सी है? अजमेर है, अम्फाल है, कोहिमा है, ईटानगर है। तो 1, 2, 3, 4 चारों हमारे पास हैं। ये आप स्टेट देख सकते हो। असम के अंदर कौन सी है? अरुणाचल के अंदर कौन सी है? ईटानगर है, ठीक है। अच्छा मेघालय के अंदर किसकी है? शिलोंग है। सिक्किम की है? गोंटक है। अच्छा असम की है? गुवाहाटी है। नागालैंड की है? कोहिमा है। मणिपुर की है? इम्फाल है। मिजोरम की है? अजवल। तो ये आप याद कर लो इस मैप को अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। सिक्किम की है गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की है गुवाहाटी, मेघालय की है शिलोंग, त्रिपुरा की है अगरतला, मिजोरम की है अजवाल, मणिपुर की है इम्फाल, नागालैंड की है कोहिमा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।